नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, फरीदाबाद के सेक्टर 2 स्थित महर्षि भगवान परशुराम पार्क में श्री सनातन सेवा संगठन एवं स्थानीय आरडब्ल्यूए द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जाने माने शिक्षाविद एवं समाज सेवी भारत भूषण शर्मा। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत गाया। उसके बाद भारत भूषण शर्मा का आयोजकों द्वारा फूल मालाएं और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के नन्हे नन्हे बच्चों ने देशभक्ति व रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों व अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं सुंदर प्रस्तुतियों के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रशंसा पत्र देकर उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर भारत भूषण शर्मा ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयोजकों द्वारा बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्हें शामिल होने का मौका मिला है। इस मौके पर उन्होंने आयोजकों और स्थानीय निवासियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि वह यहाँ पर अतिथि नहीं है बल्कि यहाँ के निवासी ही हैं। उन्होंने कहा कि श्री सनातन सेवा संगठन का उद्देश्य बड़ा ही सात्विक है जिसकी वजह से एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु की उपाधि दुनिया में मिल सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि श्री सनातन सेवा संगठन के माध्यम से क्षेत्र का कोई भी जरूरतमंद बच्चा उनके पास आएगा तो वह उसका निशुल्क प्रवेश अपने स्कूल में देंगे। मौके पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ा मान सम्मान का विषय है, मान सम्मान का दिन है, ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन आरडब्ल्यूए सेक्टर 2 के प्रधान श्री नागर जी और सनातन सेवा संगठन के संचालक श्री अजय यादव जी ने यहाँ बुला करके फ्लैग का हमारा कार्यक्रम था, फ्लैग होस्टिंग, और उसके बाद बड़ा हमने यहाँ के जो बच्चे प्राइजेस जिन्होंने रेस में या किसी एजुकेशन फील्ड में या किसी भी अवसर पर हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है उनको हमने यहाँ सम्मानित किया है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा सेक्टर 2, क्योंकि मैं सेक्टर 2 का बाशिंदा भी हूँ, मैं यहाँ रहता भी हूँ, तो मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट है कि इन लोगों ने मुझे आज इतना मान सम्मान दिया कि यहाँ मुझे बुला करके और मौका दिया अपने बीच में आने का, इन लोगों के बातें समझने का, सीखने का। और देखिए, जैसा हम समझते हैं कि सनातन सेवा संगठन का जो उद्देश्य मैंने अभी अभी जाना, वो उद्देश्य बहुत ही एक सात्विक उद्देश्य है। वो है हमारे जो देश है, जो हमारा विश्वगुरु जो देश है, उसको दोबारा से पुनः पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्वगुरु की जो है उपाधि दोबारा से दिलवाना, ताकि पूरा विश्व भारत के गुणगान को करे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, हमारे जो सीएम साहब हैं माननीय खट्टर जी का भी सपना है। और मैं ये समझता हूँ कि सपने के लिए हम सब मिलकर के आगे आए हैं, घर घर तक हम इस अलख को जगा रहे हैं, इस ज्योत को जला रहे हैं, और इस ज्योत में जितनी युवा पीढ़ी, जितने नन्हे मुन्ने बच्चे, और देख रहे हैं आप पीछे देख रहे हैं अपार जनसंख्या हमारी मातृशक्ति के रूप में हमारे यहाँ मेरी प्यारी बहनें उपस्थित हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा क्षेत्र, मैं समझूंगा हमारे नागर साहब इतना अच्छा काम आरडब्ल्यूए का कर रहे हैं और हमारे अजय यादव जी सनातन सेवा संगठन, दोनों ने मिलकर के जो कार्यक्रम किया, ये वास्तव में ही अविस्मरणीय है। मैंने बहुत सारे 26 जनवरी के कार्यक्रम है, आज भी 3 कार्यक्रम है और अभी भी मेरे 1-2 कार्यक्रम बचे हुए हैं, तो लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये कार्यक्रम वास्तव में एक विस्फोटक कार्यक्रम है, इस हमारे एरिया को दिशा दिखाने वाला कार्यक्रम। जिनको जरूरत है जी, देखिए मैं एक शिक्षा, सबसे पहले मैं एक शिक्षाविद हूँ और उससे भी पहले मैं बल्लभगढ़ की संतान हूँ। बल्लभगढ़ क्षेत्र के हर एक युवा शक्ति का छोटा भाई हूँ, हर एक मातृ शक्ति का मैं छोटा बेटा हूँ, जो हमारे बहनें हैं उनका मैं भाई हूँ, तो मैं ये कार्य पहले भी करता आया हूँ। मैंने मेरे स्कूल के अंदर लगभग 51, जब हमारे पिताश्री इस दुनिया से गए थे, तो मैंने 51 लड़कियों को फ्री अनाउंस किया था। आज भी मैं उन 51 लड़कियों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ। उससे पहले 65 विधवाओं के बच्चे मेरे स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं और उस बात को कम से कम 15-16 साल हो गए हैं। तो मेरे अंदर एक धारणा है कि हर एक इंसान कारगिल में शहीद नहीं हो सकता, हर एक इंसान जाकर के बॉर्डर पे बंदूक नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके लिए एक विशेष परिस्थितियां चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। लेकिन हम जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र से हम काम कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में अगर हम अपना 100% दें तो देश का विकास सुनिश्चित है। तो मैंने ये प्रण लिया है कि मैं शिक्षा की अलख यहाँ जगाऊंगा। इसी उपलक्ष्य में मैंने यहाँ बोला कि सनातन सेवा संगठन का
किसी भाई का, कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, लोगों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं लड़कियों निशुल्क शिक्षा, लड़कियों निशुल्क शिक्षा। हम पहले से अगर बच्चियों को बेचारी बना देंगे तो उनके मन में हीन भावना आएगी। लड़के भी उतने जरूरी हैं, लड़कियां भी उतनी जरूरी हैं, हमें उन्हें बेचारी बनाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश के अंदर लड़कियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप देख रहे हैं राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं, आज भी हमारी माननीय राष्ट्रपति जी महिला हैं। तो हम ये ना कहें कि लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा, लड़कों के लिए नहीं। भाई लड़के कोई ऐसा नहीं है कि उन बेचारों के अंदर कोई गलत, कोई उन्होंने लड़का जन्म लेकर के गलत काम किया। तो मैंने भाई साहब को ये आश्वासन दिया है, अपने अजय भाई को आश्वासन, सारे सनातन सेवा संगठन और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा और ये सभा मेरे को रिकमेंड करके देगी, उसको मैं निःशुल्क फ्री एडमिशन अपने स्कूल के अंदर करूँगा और ट्यूशन फीस में भी जितनी यथासंभव मदद हो सकेगी मैं करूँगा। मैं लेखपाल नागर एडवोकेट हूँ वैसे, और RW का प्रेसिडेंट हूँ जी। यहाँ से मैं भाई शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे यहाँ आए और इन्होंने अच्छे विचार दिए और आगे के लिए भी हमें शिक्षा वगैरह के लिए, बच्चों के लिए जो ये विचार रखे हैं, इससे मैं बहुत बढ़िया अवगत कराता हूँ सभी को। जिसका भी बच्चा कोई ऐसा है वो बिल्कुल हमारे पास आए, हम भाई के पास रिकमेंड करेंगे और भाई एडमिशन करा करके फ्री शिक्षा देंगे। जिस घर में शिक्षा होती है उसमें सब कुछ ठीक होता है। मेरा नाम अजय यादव है, मैं सनातन सेवा संगठन का संयोजक हूँ। सनातन सेवा संगठन से जुड़ने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकें, और सेवा हमारा धर्म है। हमने जो ये संगठन खड़ा किया है वो सेवा के लिए किया है, धर्म की सेवा करनी है और लोगों को बताना है, जागरूक करना हिंदुत्व के लिए। जो हमारी जो जनरेशन है, छोटी जनरेशन है, जो उसको बताना है कि हनुमान चालीसा क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, क्योंकि जो लोग छोटे बच्चे हैं अब उनमें अभी फिलहाल ये संस्कार नहीं है कि वो जान पाए कि राम और कृष्ण क्या है। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि छोटे बच्चों को हम बताएं और समाज में एक हिंदुत्व का प्रचार करें, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, अगर धर्म नहीं है तो सब कोई कुछ नहीं है, ना देश है ना समाज है, क्योंकि धर्म से ही हमारा सब कुछ है। आज भारत भूषण जी आए हैं, काफी उत्साह यहाँ के लोगों में भरा है और बच्चों में खासकर। हाँ बिल्कुल, भारत भाई आए तो उनका मैं सहज दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने आके और जो जितना भी कहा है वो लोगों के लिए सफिशिएंट है। सनातन सेवा संगठन के लिए भी उन्हें बूस्ट मिलेगा, जिससे कि कोई जो छोटा बच्चा है या किसी का जो नहीं पढ़ा सकता, उनके लिए आगे आने वाले के लिए एक दिशा मिलेगी। इसी धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।